आज मैं खेलने वाला हूँ माइनक्राफ्ट मगर अनियन एसएमपी सीजन 1 पार्ट 2। तो जैसे कि आपको पिछले वीडियो में आपने देखा था कि मैं एक क्या कहते हैं क्रीपर फार्म बनाने जा रहा हूँ और इस एपिसोड में उसके लिए ग्राइंड करूँगा। तो आज बिल्कुल वही होगा, आज मैं क्रीपर फार्म के लिए ग्राइंड करूँगा और मैं उसे एक हाँ तो मैं एक उसे सीक्रेट जगह बनाऊंगा जहाँ पे कोई भी ना आके उसे ढूंढ पाए, क्योंकि इस सर्वर में आपको पता है हर लाइव स्ट्रीम सर्वर में अगर कोई भी ऐसा सर्वर तो सबके अंदर एक दूसरे का लोग बिल्ड डिस्ट्रॉय करने के लिए खड़े रहते हैं। और इधर ही कल मैंने अपना आउट्रो करा था गाइस, तो गाइस अब इंट्रो भी थरी कर रहा हूँ, बस एक मिनट। तो गाइस बस अब हम जा रहे हैं माइनिंग के लिए। तो गाइस सबसे पहले सो जाना चाहिए मुझे, फूड भी नहीं है, क्या लेके दूंगा। तो गाइस उससे पहले मुझे फूड कलेक्ट करना पड़ेगा, तो आप 4x या 5x स्पीड में आप देख लेंगे थोड़ी देर में। तो गाइस आज भी इस सर्वर में कोई नहीं ज्वाइन करा जिस समय मैंने ज्वाइन करा है, इस सर्वर में किसी ने भी इस समय ज्वाइन नहीं करा। तब अभी माइनस्टर से मेरी बात हुई थी, आज मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ मगर वो कहीं बाहर गया, किसी काम से कहीं बाहर गया हुआ है तो वो भी नहीं आ सकता। तो इस सर्वर में अगर माइनस्टर वीडियो देखा जाए उसके लिए हमारे सर्वर में एक और बंदा आने की कोशिश कर रहा है, मेरा दोस्त है बहुत पुराना, तो वो चाहता है कि उस सर्वर में वो आ जाए थोड़े थोड़े दिनों के खेलने के लिए। ये देखो गाइस अभी भी नहीं दे रहा, ये देखो अभी भी नहीं दे रहा इंटरपोल, ये बंदा इतना लूट लिया इन लोगों ने इसे। तो गाइस अगर ये वीडियो अच्छी लगे लाइक सब्सक्राइब करना बिल्कुल भूलिएगा, अगर और भी अच्छी लगे तो सब और शेयर कर दीजिएगा। और इस वीडियो का भी लाइक एम है 10 लाइक, अगर ये 10 लाइक एम कम्प्लीट नहीं हुआ तो अगला पार्ट नहीं आएगा। तो चलते हैं अभी मेन लैंड की तरफ, वहाँ से करेंगे थोड़ा बहुत। नहीं जब भी मैं ज्वाइन करता हूँ उस समय सर्वर में कोई भी नहीं होता है, सीरियसली कोई भी नहीं होता है। मैंने सॉर्ड ऑफ वाटर से पूछा, माइंड सर से पूछा, अमरदीप से पूछा, रोमियो से पूछा, आरुष से पूछा, जितने भी सर्वर मेंबर सबसे पूछ ले, सब कह रहे हैं कोई ना कोई वो काम करने में लगे हुए हैं और वो अभी नहीं आ सकते। गाइस क्या मैं इतना वेला बैठूँ क्या इस गाइस से थोड़ा तो टैप की ब्राइटनेस तेज कर लूँ मैं। गाइस चलते हैं अपने विलेज के साइड, या हम अभी माइनिंग के लिए चलते हैं, चलते हैं पहाड़ के पास और फूड भी आ गया है, अब करते हैं नीचे डिग। गाइस अब मैं टैप की ब्राइटनेस बढ़ा रहा हूँ, बस गाइस इतनी काफ़ी, तो ये भी ज़्यादा हो गई है गाइस। गाइस लाइटनर बंद, बस गाइस मैं चाहते गड़बड़ करिए बैठने से ना गाइस, लाइट में लगा ही लेता हूँ, उसे दिख तो रहेगा। गाइस अब ये है कॉबलस्टोन माइनिंग का टाइम, और से चाहिए मुझे काम करते, मैं क्लाइंट चेंज कर आता हूँ, मैं क्लाइंट चेंज करता हूँ तो तब तक। तो गाइस मैं दोबारा आ चुका हूँ दूसरा क्लाइंट लगा के, इसमें कुछ ज़्यादा मौत जॉन कर लेता हूँ।
थोड़ा सा यार, ये मुझे ज़्यादा अच्छा लगता वाला पसंद। चलो भाई जैसा सही है, मुझे थोड़ी ब्राइटनेस फुल करनी है। ज़्यादा बस बस नहीं बहुत है बस। अब मस्ट वन माइनिंग करते हैं, तो मिलते हैं थोड़े से स्टैक कलेक्ट करने के बाद। तो गाइस मैं तो लौट आया हूँ कम से कम 5 घंटे की मेहनत के बाद, इतना सारा 3-4 घंटे बाद इतना सारा सामान फाइनली मैं लेकर आ चुका हूँ। देखना चाहूँ गाइस इतना कॉपर स्टोन मैं कलेक्ट कर चुका हूँ। मैंने एक्स्ट्रा था मैंने फेंक दिया लावा पूल के बगल में, गला दिया। मैंने ग्लास इसलिए करके कि उसका बेस बनाऊंगा, उसके लिए वाटर बकलियन पास पहले से ही है। पावर रेल चेस्ट ये सब मैंने वो फार्म के लिए रखा हुआ है, तो बस फार्म की पूरी तैयारी है। ये लावा पूल में बहुत सारा मैंने इन्वेंट्री का सामान फेंकना पड़ा था मुझे, क्योंकि ये सारा सामान लाने में गड़बड़ हो गई थी। जिससे मैं तो कम से कम 5 बार तो मेरे पे मरते मरते ही बचा है। वे मैं वहाँ पे चल रहा था, पीछे से क्रीपर आ गया मेरे, वैसे ही मेरा प्लेयर मरते मरते बचा था। गाइस गाइस इस बात के लिए 1 लाइक तो बनता है। और हाँ गाइस अगर तुमने लाइक एंड कंप्लीट नहीं किया तो नई वीडियो नहीं आएगी। गाइस अब एक स्टैक का क्या करूँ मैं, जलाई देता हूँ। अब मुझे ये ब्रिज से वहाँ पे रखकर आना पड़ेगा गाइस, फिर ये बस वाले चेस्ट का सामान लेकर जाना पड़ेगा। गाइस गाइस एक मिनट रुक जाइए, गाइस एक मिनट रुक जाइए। तो हाँ गाइस मैं वापस आ चुका हूँ। तो मेरे घर पे भी कोई आया था उस वजह से तो मुझे वीडियो पॉज करना पड़ा था 2 मिनट के लिए, और मेरा बिंगो भी भौंकने लग गया था। तो बस गाइस पहले ये सारा सामान लेकर जाते हैं, फिर और सामान लेकर जाएंगे। हम गाइस वो ब्रिज ढूंढना पड़ेगा, ब्रिज भी उल्टी पुल्टी जगह बनाया हुआ है हमने, का ब्रिज भी नहीं मिलता। कोऑर्डिनेट्स क्या, कोऑर्डिनेट को कॉपी कर लेता हूँ, चैट में लिख लेता हूँ क्या, वैसे बेटर है। देख लीजिए गाइस कोऑर्डिनेट्स, अब चलते फिर। गाइस इस साइड ही होना चाहिए, फिर ओशन इस साइड अगर एक काम कर सकते, पीछे ऊपर भी ले जाओ एक पहाड़ के। तो मैंने ध्यान नहीं दिया, तो कहा मैंने देखा तुम देखे मेरे क्रॉस या चेंज हो गया, मैं इसमें चेंज कैसे हुआ। तो गाइस मैंने अपना वो चेंज करा क्लाइंट, मैंने जैसे पहले एस्ट्रल क्लाइंट था उसे मैंने अब चेंज करके लाइट क्लाइंट कर लिया। अब उसका चेंज करते हैं, लाइट क्लाइंट वैसे ठीक ठाक है, वैसे इतना बुरा भी नहीं है। तो गाइस मतलब ब्रिज इस साइड ही होना चाहिए। अगर मेरे पास एक ही चिंता हो रही है, कोई सर्वर में लॉग इन करके मेरा सामान देख लिया तो मेरा सामान तो चोरी हो जाएगा गाइस। पर गाइस कोई लॉग इन करने करेगा तब ना गाइस, मुझे पहले स्पॉन ढूंढना है। मैं स्पॉन कम हुआ था वहाँ से मैं ढूंढूंगा ना। ये रहा गाइस ब्रिज गाइस, ये मुझे वहाँ पे पिलेजर आउटपोस्ट में, तो मैंने पिलेजर आउटपोस्ट से कुछ सामान उठाया नहीं, वो तो आप क्लिप में देख ही लोगे, पहले मैं देख ही चुके होगे आप लोग। तो गाइस ऐसे ब्रिज जिसने भी बनाया अच्छा बनाया, वैसे ब्रिज अच्छा काम कर रहा है। वैसे ब्रिज हवा में उड़ रहा है, काफ़ी अजीब सा नहीं लग रहा गाइस आपको भी, काफ़ी अनरियलिस्टिक सी बिल्ड लग रही है ये। मतलब ये पक्का GTA या आरुष का काम है, ये ऐसी वही ऐसी बिल्ड बनाते हैं। ऐसे GTA से भी अच्छी बिल्ड बनाते हैं, मतलब अच्छी बिल्ड ही बनाता है वो भी, उसकी बिल्ड भी इतनी बुरी नहीं होती है। जो मैंशन बनाए वो तो GTA ने ही बनाया था पूरा। तो मैंने GTA को बोल दिया डिस्कॉर्ड पे कि वो वाला रूम मैं रख रहा हूँ, तो उसने हाँ बोल दिया। उसने बोला था वो मेरे लिए उसने रूम रखा हुआ है, बस कचरा उसने रखा हुआ है क्योंकि वो आरुष ने वो मतलब GTA ने वो कचरा वहाँ पे रख दिया था, तो उस कचरे को तो मैं हटाने वाला नहीं हूँ, इतना टाइम नहीं है मेरे पास। गाइस पहले मुझे सारा सामान अपने चेस्ट में जाके रखना पड़ेगा, फिर वहाँ से मुझे अपना ये सारा सामान दोबारा वहाँ पे जाके दोबारा सामान लाना है। ये भगवान, ये देखो गाइस, ये देखो दरिंदा एंडरमैन। तो गाइस मैं आ गया हूँ अपने के पास, देखो मकड़ियाँ कहाँ चढ़ी हुई है। हो गया गाइस, ये इन सबको तो मुझे मारना पड़ेगा, मैं थोड़े दिन यहाँ पे नहीं आया तो ये सब हो क्या गया। तो वैसे पहले का इतना कचरा पड़ा हुआ है, इस कचरे को थोड़ा बहुत कचरा ऐड कर देते हैं। गाइस मुझे अपना इन्वेंट्री जब मैं जाऊँगा तो मुझे अपने सारा सामान नहीं रखना पड़ेगा, वरना चोरी हो जाएगा, क्योंकि सर्वर में तो चोरी चोर भरे होते हैं। ये फेंक देता हूँ, इसे फेंक देता हूँ अंडे का क्या खाना मुझे, रो एन सब फेंक देता हूँ। मैंग्रोव प्रो पैगल जो भी है रखे ना, स्टोन पिक एक्सेस में रखी है। आग जलाओ पहले, मैं सारा सामान फेंकता हूँ। गाइस भूख लगा, वो गाइस रेड स्टोन तो मेरा फेंकने का मन है, रेड स्टोन से थोड़ा काम आ जाता है। गाइस अब मुझे दोबारा इतना लंबा सफ़र तय करके जाना है, तो मिलते हैं आपको सीधे वहीं पर। मैं आ चुका हूँ यहाँ पर, और बीच से मुझे थोड़ा मॉब्स मिले थे, उसकी वजह से मुझे अपना स्प्लिट कंट्रोल हटाना पड़ा था, और तो मैंने इफेक्ट वो सब लगाया था वो भी स्टैंड पर गाइस। तो इसमें तुमने दोबारा लगा लेने दो गाइस। अगर आपको भी इस क्लाइंट का लिंक चाहिए वो मैं अगले वीडियो में डालूंगा। ये तो भाई उठाते हैं सभी सामान, रेल चेस्ट और रेल ग्लास 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 ग्लास। गाइस चलते हैं अब अपने वापस उस जगह की तरफ। लेट्स गो, पहले मुझे विलेज के साथ जाना चाहिए फिर से। तो गाइस इतनी देर में तो आया था बीच में,
कहते हैं एक बंदा ज्वाइन होगी तो सॉर्ट ऑफ वाटर, तो थोड़ी बहुत से झगड़ा होगी तो थोड़ी बहुत पीजीटी हुई थी, मैंने उसे मार दिया उसी ब्रिज पे, और फिर मैंने उसका हाथ भी वापस कर दिया कि वो, क्योंकि वो मेरा बहुत पुराना दोस्त है और अच्छा दोस्त भी है। तो बस गाइस इतनी देर में यही हुआ, सीधे मुझे स्प्लिट कंट्रोल हटाने पड़े थे गाइस जब ऑफ कैमरा हुआ था। गाइस पानी देखो ये मैं स्टंट करने से कोई बाज नहीं आऊँगा, इस साइड है ब्रिज, उस साइड होगा ब्रिज साइड से मैं जान रहा हूँ मिल गए इनफाइनाइट सुकोयोमी। ओ भाई साहब इतना अच्छा एम कैसे होता है स्केलेटन का, भाई आपको पता है स्केलेटन का इतना अच्छा एम कैसे होता है सीरियसली। अब भाई मुझे दोबारा इतना लंबा चल के जाना पड़ेगा, जैसे वो मरे वैसे तो मैं बता रहा था ना, तो जैसे ही मैं वो मरे ना मैंने उसका हार्ट वापस करा, वो सर्वर लीव करके चला गया इतनी देर में। तो और बीच में मेरे एक और दोस्त का कॉल आ गया था कि उसके साथ क्यूबक्राफ्ट में आके खेलूँ, तो उसको मना कर दिया है अभी के लिए, वो भी मेरा स्कूल का ही दोस्त है, तो उसका भी कॉल आया था इसी पूछने के लिए क्यूबक्राफ्ट में आ जा, मैंने उसे बोला कि अभी रिकॉर्डिंग चल रही है तो अभी तो आ नहीं सकता, उस चीज़ में गाइस ये सब ही हुआ है सही। अच्छा डायरेक्शन देख रहा था ये ईस्ट के साइड क्यों बनाया वैसे हमने, वाह कितना अच्छा क्लच था। अब मुझे इन्वेंटरी का सारा सामान फेंक के जाना पड़ेगा मुझे फार्म बनाने के लिए। तो गाइस सामान हमारा कलेक्ट हो चुका है और हम फार्म के लिए भी जगह ढूंढेंगे इस एपिसोड में, और फिर उसके अगले एपिसोड में हम और उसके अगले एपिसोड में हम फार्म बनाना स्टार्ट करेंगे। मैं भी अजीबों के लिए फार्म करना हूँ अभी मकड़ी, ये देखो गाइस ये मकड़ी, ये मकड़ी ये मकड़ी है क्या मौसम ही अगर वेलकम है ना। हाँ चलो सो गाइस मेंशन के बाहर तो मुझे वो सब लगाना पड़ेगा, अब क्या कहते हैं कैंप फायर या टॉर्चेस कि ये नमूने ना आए यहाँ पे। तो गाइस अपने सामान उठाते हैं हम लोग और चलते हैं, सामान चोरी ना करें कर लेते हैं सारे, कौन सा तरह काम का सामान है मेरे पास, बॉटल ऑफ एन्चेंटिंग एक्स्ट्रा कैरे सक लेते हैं, एक्स्ट्रा छोड़ देता हूँ, आयरन छोड़ देता हूँ, मैंने फिर फेंक क्यों रहा हूँ सामान, ये रख देता हूँ। तो गाइस थोड़ा आयरन स्टॉक कर लेता हूँ, इतना और इतना आयरन यहाँ पर रख देता हूँ, 39 अपने पास ले चलता हूँ। तो कोल्ड स्टोन से किसी की ज़रूरत नहीं पड़े, फ्लिंट एंड स्टील की तो पड़ जाएगी, फिर भी टॉर्च टॉर्च रख लेता हूँ, मुझे बोट भी बनानी पड़ेगी यार लंबा काम है सब कुछ, मैं काम करता हूँ बिना बोट के चलते एक बार, थोड़ा सा एक्स्ट्रा सामान थोड़ा सा बेस बनाने के लिए सो रख लिया, और सामान के लिए गाइस मुझे यहाँ पे आना पड़ेगा, तो पहले जगह ढूंढने के लिए चलते हैं कहाँ पे बनाना है हमें। गाइस ये तो पक्का है कि मैं इस साइड ही जब बनाऊंगा तो इस साइड वाला ऑप्शन में इस साइड ही जाऊंगा गाइस, क्योंकि उस साइड वाला ओशन तो पूरा डिस्कवर होगा ना, मतलब उस साइड के ओशन में तो ब्रिज भी बनाया हुआ, अगर कोई देखेगा तो उसे पता चल जाएगा ना कि मैंने सब बनाया है, और मुझे पूरे 150 ब्लॉक के रेडियस में कोई भी ब्लॉक नहीं चाहिए। गाइस ये मेरा तरीका है, मैं यूट्यूब से नहीं कर रहा, मैं ऐसे बनाता हूँ फार्म। ये आवाज़ बहुत तेज़ है, एक गाइस काम कर सकते हैं अगर इस लैंड पीस ऑफ लैंड को हटा दे, पानी से अगर जैसे पानी इसमें मनी सेट कर दे तो मैं इस सेट फार्म बना सकता हूँ, मगर मैं इस सेट नहीं क्यों बनाऊंगा वैसे। ओ भाई साहब कोई ज़्यादा शीप नहीं है यहाँ पे, भाई साहब भाई साहब मैं क्या फेंकूँ फिर मंडल से, सारा काम का सामान होगा इस खाना वहाँ तो सामने शायद से ओशन है, वहाँ पर जगह मिल जाएगी शायद से, इसकी डायरेक्शन में ना इस साइड बनाना चाहिए मुझे शायद से ओशन गाइस, मैं बोल रही थी यहाँ पर ओशन बनाना चाहिए, कितना दिमाग है देखा गाइस आप लोगों ने, इतना दिमाग है मेरे में। तो गाइस अभी नीचे का स्ट्रक्चर से भी हम स्टार्ट करेंगे और ऊपर का स्ट्रक्चर हम तो अगले एपिसोड में बनाएंगे, तो और मैंने प्लान करा कि उसके अगले एपिसोड में हम लोग किसी को मार डालेंगे सर सिंपली में, कैसा आइडिया गाइस वैसे कमेंट में जरूर बताना, अगर तो बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा तो लाइक कर देना, अगर अच्छा लगा तो सब्सक्राइब कर देना। ऐसा बता सकता हूँ इस वीडियो का लाइक एम है 10 लाइक, तो पिछले वीडियो का भी था, अब जैसे तुम लोगों ने 10 का लाइक एम पिछले वीडियो पे कंप्लीट करा है, इस वीडियो पे बिल्कुल वैसे ही लाइक एम कंप्लीट करना। ऐसी यहाँ पर लग गया, अब मुझे थोड़ा ये सेंटर होगा, तो अब I'm going to go to the next one.
गुडबाय। और अगर वीडियो को अच्छी लगे सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए, और इस वीडियो का लाइक है मैं 10 लाइक, जल्दी से लाइक एंड कंप्लीट करिए कि जल्दी से नए एपिसोड 3 आ जाए सीज़न 1 का जल्दी से, और हम अगले एपिसोड में से पूरा बनाएंगे। मतलब नीचे वाली ये वाली लेयर हमारी कंप्लीट हो गई है, मतलब जैसे यहाँ पे तो हमें वाटर प्लेस करना होता है ना, जैसे क्रीप फॉर्म में इस वाले में तो वाटर प्लेस करना होता है, यहाँ वाटर आएगा पूरा गाइस। और आगे की लेयर वो तो मैं देखूंगा कैसे बनाना है, और ग्लास हमारे पास कम पड़ गया, मगर और हमें मैग्मा ब्लॉक भी चाहिए, मुझे याद है ओक फेंस जो हमारे पास बिल्कुल भी नहीं है, उसकी चिंता मत करो, मैं और सैंड माइन करके आ जाऊँ। तब तक के लिए गुड बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग, रेस्ट विल डू इन नेक्स्ट वीडियो। सुनो समुद्र से तो बाहर आ जाए तो फिर वीडियो ख़त्म करूँगा, ड्राउन ना हो जाए क्लियर। इसमें टाइम क्यों लगाते हैं पानी के नीचे से माइन करने में सामान। सो बाय बाय गाइस, सी यू इन नेक्स्ट वीडियो।